गुड मॉर्निंग एवरीवन, टुडे वी विल डिस्कस अबाउट पोयम नंबर 3, दैट इज द शेड। दिस पोयम इज रिटन बाय फ्रैंक फ्लाइन। सो स्टूडेंट्स, फर्स्टली वी विल डिस्कस अबाउट व्हाट इज द मीनिंग ऑफ शेड। अ स्मॉल बिल्डिंग दैट इज यूज्ड फॉर कीपिंग थिंग्स और एनिमल्स इन। देखो, ये छोटी सी बिल्डिंग होती है, इसमें हम अपनी चीज़ों को संभाल के रखते हैं और इसमें हम अपने एनिमल्स को भी रख सकते हैं, ठीक है। शेड को हिंदी में क्या कहते हैं? छप्पर। ओके स्टूडेंट्स, नाउ डू यू नो व्हाट अ शेड इज? क्या आप जानते हैं कि शेड क्या होता है? अ काओ शेड, काओ का शेड मींस कि जहाँ पे काओ रहती है। टूल शेड मींस कि जहाँ पे हम अपने यंत्रों को रख सकते हैं, तो उसको क्या कहेंगे? टूल शेड। अ वुड शेड, जहाँ पे हम अपनी वुड को रखते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, ये जो है एग्जाम्पल्स के लिए बताए हैं, काओ शेड होते हैं, टूल शेड होते हैं, वुड शेड होते हैं, ठीक है। इट्स अ स्मॉल रूम, ये जो है स्मॉल रूम होता है, अवे फ्रॉम द मेन हाउस, जो कि मेन हाउस से थोड़ा दूर होता है। फॉर स्टोरिंग और कीपिंग थिंग्स, ये क्यों बनाया जाता है? अपनी थिंग्स को मीन्स कि जो लोग अपने घरों के पास शेड बनाते हैं, वो क्यों बनाते हैं शेड को? अपनी थिंग्स को स्टोर करने के लिए, ठीक है, एनिमल्स को रखने के लिए, टूल्स को रखने के लिए, व्हीकल्स को रखने के लिए, एक्सेट्रा आदि, इन सभी चीज़ों को रखने के लिए वो क्या करते हैं? शेड बनाते हैं। ओके, आस्क योर पार्टनर, अपने पार्टनर से पूछो, इफ़ शी ही हैज़ एवर सीन अ शेड, अगर उसने कभी शेड देखा हो, लेट हर हिम डिस्क्राइब इट टू द क्लास, और उसको बोलो कि तुम क्लास में इसको डिस्क्राइब करो। नाउ रीड द पोयम, अब हम पोयम को रीड करते हैं। ओके, देयर्स अ शेड एट द बॉटम ऑफ आवर गार्डन विद अ स्पाइडर वेब हैंगिंग अक्रॉस द डोर, द हिंजेस आर रस्टी एंड क्रीक इन द वाइंड, व्हेन आई एम इन बेड आई लाई एंड आई लिसन, आई विल ओपन द डोर वन डे। अब देखो क्या होता है, पोइट कहता है कि गार्डन के, पोइट क्या कहता है कि हमारे गार्डन के बॉटम में, बॉटम का मीनिंग क्या होता है? नीचे, बट हम यहाँ पे देखते हैं हमारे गार्डन के बहुत एंड में जाके, इसका मीनिंग ये है कि हमारे गार्डन के बहुत एंड में जाके क्या है? एक शेड है। ओके, विद अ स्पाइडर्स वेब हैंगिंग अक्रॉस द डोर, जिसमें डोर की आर पर क्या है? स्पाइडर का वेब मीन्स कि मकड़ी का जाला जो है हैंगिंग मीन्स कि लटका हुआ है। द हिंजिस आर रस्टी, अब देखो बेटा हिंजिस क्या होता है? हिंजिस को हिंदी में क्या कहते हैं? कब्जा, मीन्स कि ये जो डोर के आगे लोहे के लगे होते हैं ना, जब हम डोर को बंद करते हैं तो हिंजिस की मदद से ही हमारा जो डोर है बंद होता है वो, ठीक है, उसको क्या कहा जाता है? हिंजिस। जो हिंजिस है वो जो है क्या है? रस्टी है, मींस कि उसमें जंग लग गया है। आपको पता है लोहे की चीज़ों पे जंग लग जाता है, अगर हम मतलब लॉन्ग टाइम से उसका यूज़ नहीं करते तो उसमें क्या हो जाता है? जंग लग जाता है। तो हिंजिस जो है वो कैसे है? उसमें जंग लगा हुआ है। एंड क्रीक इन द वाइंड, और जब हवा चलती है तो वो क्रीक मीन्स कि चर 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 की आवाज़ें करता है, ठीक है। When I am in bed, जब मैं बेड पे होता हूँ, I lie, मैं लेटा हुआ होता हूँ, I listen, तो मैं सुनता हूँ, जब वो आवाज़ें आती हैं ना, मैं उन आवाज़ों को सुनता हूँ, I will open that door one day, वो क्या बोलता है कि मैं वन डे उस डोर को ओपन करूँगा। ओके, नेक्स्ट वन इज देयर्स अ डस्टी ओल्ड विंडो अराउंड एट द साइड विथ थ्री क्रैक्ड पेन्स ऑफ ग्लास, I often think there's someone staring at me each time that I pass. I will peep through that window one day. अब देखो पोइट क्या बोलता है कि there's a dusty old window around at the side, और उसके शेड के साइड में एक ओल्ड विंडो है जो कि बहुत ज़्यादा डस्टी है, उसमें धूल से भरी हुई एक पुरानी सी विंडो है, विथ थ्री क्रैक्ड पेन्स ऑफ ग्लास, जिसके पेन्स ऑफ ग्लास का मतलब क्या होता है? जो ग्लास का कांच का फ्रेम नहीं बना होता, उसमें जो है थ्री क्रैक्ड आए हुए हैं, ठीक है। आई ओपन थिंक्स देयर समवन स्टेयरिंग एट मी ईच टाइम डैट आई पास, वो सोचता है कि जब मैं उसके पास से गुजरता हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि समवन कि कोई जो है मुझे स्टेयरिंग मीन्स कि एक तक देख रहा हो, मुझे ऐसा लगता है, मैं ऐसा सोचता हूँ। ओके,
आई विल पीप थ्रू दैट विंडो वन डे, वो बोलता है कि मैं वन डे, मैं एक दिन उस विंडो के आर पार जरूर झाँकूँगा. ओके नाउ My brother says there's a ghost in the shed who hides under the rotten floorboards and if I ever dare to set foot inside, he will jump out and chop off my head. But I will take a peek one day. अब देखो वो क्या बोलते हैं कि मेरा ब्रदर कहता है, my brother says there's a ghost in the shed, कि शेड में एक ghost रहता है. Who hides under the rotten floorboard? वो क्या कहता है फिर उसको कि ना वो जो है गले सड़े फ्लोर बोर्ड्स के नीचे छुप जाता है. ठीक है, फ्लोर बोर्ड का मतलब क्या होता है कि मतलब जो फ्लोर पे मान लो कोई लकड़े लुकड़े भी लगवाता है ना, कोई जो है मतलब कोई लकड़े लुकड़े लगवाता है, सबके अलग अलग स्टाइल के वो फ्लोर बोर्ड्स बनवाते हैं लोग, तो जो वो वहाँ का फ्लोर बोर्ड है ना वो जो है बिल्कुल गला सड़ा है. और क्या होता है जो पोइट मेरा ब्रदर कहता है कि वो जो है भूत जो है गोश्त जो है उस गले सड़े फ्लोर बोर्ड के नीचे छिप जाता है. ठीक है, एंड If I ever dare to set foot inside, वो कहता है कि अगर मैं वहाँ पे हिम्मत के साथ अपना कदम रखता भी हूँ, अंदर जाता भी हूँ, he will jump out, वो जो है मेरे ऊपर जो है जंप करेगा and chop off my head, और मेरे हेड के छोटे छोटे टुकड़े कर देगा. chop का मतलब क्या होता है, छोटे छोटे टुकड़े कर देना. But I will take a peek one day, फिर वो कहता है कि मैं एक ना एक दिन तो वहाँ पे ज़रूर जाऊँगा. ओके Now, I know that there isn't really a ghost. My brother tells lies to keep the shed for his den. There isn't anyone stirring or making strange noises and the spider has been gone from his web. Since I don't know when, I will go into that shed one day soon. But not just yet. अब देखो वो क्या कहता है कि मैं जानता हूँ वहाँ पे कोई भी भूत वास्तव में नहीं रहता. ठीक है, माई ब्रदर टेल्स लाइज, जो मेरा भाई है वो मुझे झूठ बोलता है, टू कीप द शेड फॉर हिज डेन, कि जा ताकि ना शेड में उसकी छुपने की जगह जो है वो बनी रहे, उस जगह के बारे में किसी को पता ना चले. डेन का मतलब क्या होता है, छिपने की जगह, कि शेड में उसकी छिपने की जगह बनी रहे और उस जगह के बारे में किसी को भी पता ना चले. इसलिए मेरा भाई मुझसे क्या कहता है कि वहाँ पे भूत रहता है, बट वास्तव में वहाँ पे कोई भी गोस्ट नहीं रहता. देयर इजंट एनीवन स्टीयरिंग, फिर वो कहता है कि ना वहाँ पे कोई भी ऐसा नहीं है जो मुझे एक तक देखता हो, और मेकिंग स्ट्रेंज नॉइसेस, और क्या करता हो, अजीब अजीब आवाज़ें निकालता हो, शोर करता हो अजीब सा. And the spider has been gone from his web. और जो spider है वो भी अपने web से जो है वो चले गए हैं. Since I don't know when, और मुझे ये नहीं पता कि वो कब गए हैं. I will go into that shed one day soon. फिर वो बोलता है कि मैं एक ना एक दिन जो है बहुत जल्दी ही उस शेड में ज़रूर जाऊँगा. बट नोट जस्ट जेट, बट वो अभी तक गया नहीं है. तो इस पोएम में जो पोइट है वो क्या करता है, उसकी क्या इच्छा है कि वो शेड के अंदर जाए. पहले तो उसको बहुत डर लगता है, मगर बाद में वो क्या सोचता है कि वहाँ पे कोई डर की बात नहीं है, कोई भूत नहीं रहता. मेरा जो भाई है वो मुझे क्या करता है, पागल बनाता है, मुझसे झूठ बोलता है. अब मैं उस शेड के अंदर जल्द ही जाऊँगा. ओके बेटा, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे.